नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन पर एआरआई न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे नवादा जिले की पाथी पंचायत, जहां से नीलम कुमारी ने मुखिया प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। उनके नामांकन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी विधायक या सांसद के लिए नामांकन हो। नामांकन के दौरान उमड़ता जन सैलाब बयां कर रहा था कि वो पाथी पंचायत से मुखिया पद के लिए कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। यहां बता दें कि नीलम कुमारी का पूरा परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। जहां उनके पति दीपक कुमार कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, तो वहीं खुद नीलम कुमारी महिलाओं शोषितों के लिए आवाज उठाती रही हैं। नीलम कुमारी कहती हैं कि अगर पाथी पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो पंचायत के विकास के लिए दिन रात एक कर देंगी। नमस्कार, मैं नीलम कुमार पासवान और आप सभी को राइज न्यूज में फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ आनंद पासवान। तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ, परपरपुर प्रखंड के पाथी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए पहले उनसे उनका परिचय लेते हैं, उसके बाद सवाल। मैडम नमस्कार, आपको राइज न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, आपका अपना परिचय दे दीजिए। आप पाथी पंचायत के मुखिया कैंडिडेट है। नाम बता दीजिए। नीलम कुमार। नीलम पाथी दीपक कुमार। तो आप पाथी पंचायत का मुखिया पद प्रतिनिधि के रूप में आप उभरे हैं, और आपका क्या विकास का एजेंडा रहेगा इसके बारे में? मेरा यही रहेगा कि जब जितने गरीब लोग के मदद करने के लिए हम आए हैं, मदद करेंगे बिना भेदभाव जाति पाति छोड़ के। इससे पहले और कभी भी इलेक्शन लड़े थे आप? कभी नहीं, पहला बार हम लड़ रहे हैं। अगर इस बार आपको जनसंपर्क कर रहे हैं पाथी पंचायत में, लोगों से क्या आशीर्वाद मिल रहा है आपको? हमको तो पूरा आशीर्वाद मिला, जितना मेरा आशीर्वाद मिला उतना मेरा फल मिलेगा, बहुत महत्व निकलेंगे। और अगर जो वर्तमान मुखिया है हमारे पाथी पंचायत के, उनके द्वारा किस तरह विकास हुआ है आपके पंचायत में? वही कि हम अथी देखे हैं अत्याचार, तो उसने हम मन कर दिए कि हम अभी जनता के बीच में आते हैं, हम अभी जनता के गरीबों भाइयों के बहनों के मदद करेंगे बिना पैसा बिना भेदभाव के। जितना फंड आएगा सभी मेरे जनता के बीच में रहेगा, खाली मेरा नाम जनता का मेरा काम रहेगा। एक बिहार सरकार जो कि नीतीश कुमार जी का एक साथ निचोड़ जाने की सपना थी, तो आपके पंचायत में जो गली नली साथ में योजना गली नली और नल जल को लेकर आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल का? खास करके तो मेरे गांव ने अभी एक दिन भी नहीं पानी चला है, और अदर पंचायत में भी बोल रहे हैं तो कहीं कहीं बहुत कम गांव ऐसा है कि पानी के उज कर रहा, बाकी बिल्कुल गांव में पानी नहीं है। हम खुद मेहनत कर रहे हैं तो मेरे कादो लग रहा है। अच्छा अच्छा काम है। तो आपके पंचायत में आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुखिया मेरा पंचायत में मदद किया है गरीब लोग से, जिसका राशन कार्ड बन रहा है उसको 1000 रुपया लिया है, वही ने हम अत्याचार देखे हैं। तो हम मन बना लिए हैं कि बिना पैसा के गरीबों लोग के आधार राशन कार्ड बने, बिना इंदिरा आवास बने, गली नली योजना सबको दिया जाए पूरा फंड। बेरोजगारों लड़कन नहीं रहना चाहिए, 5 साल के लिए सभी लड़कन के रोजगार देंगे। 2016 से 2021 तक वर्तमान मुखिया भी रहे, 5 साल का मुखिया जो वर्तमान मुखिया है, उनके द्वारा आपका पीएम आवास की क्या स्थिति है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपके पंचायत में क्या स्थिति है? कोई भी स्थिति नहीं है, कोई जनता से भी पूछा जाए, यही मेरा जनता भी इसको खड़ी है, पूछ लिया जाए कि आप लोग के बीच में कितना योजना दिया गया है। अगर इस बार आपको पाथी पंचायत की जनता आशीर्वाद दिया तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? सबसे पहला यही रहेगा कि सभी गरीबों बच्चन इतना मेरा पीछा रहा है कि दारू तारी पर झुक रहा है। हम जो चाह रहे हैं कि सबके मेरिट लावे, सबके जिसको पढ़ाई लिखाई ले पैसा कम है, हम जो कमीशन मेरा मिलेगा वो गरीबों के बच्चे के हम मदद करेंगे, और बच्चा विकास करेगा, मेरा नाम रहेगा। क्या नाम होगा आपका? बबीता कुमारी। आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। नल जल का पानी मिल रहा है? कभी मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। कभी मिल नहीं जाता है। क्या नाम हुआ आपका? विमला देवी। आपको शौचालय मिला? नहीं सर। गला मिल रहा है? कुछ नहीं।
नल जल का क्या स्थिति, पानी पी रहे नल जल का? कभी नहीं पी रहे, जेल में चलता है नहीं। आपको इंदिरा आवास मिला? नहीं। आप अपना परिचय दे दीजिए माता जी। क्या? शोभा कुमारी नाम। शोभा कुमारी, कौन सा पंचायत है? पाती पंचायत। आप नल जल का पानी पी रहे हैं? क्या नाम हुआ मामा आपका? शारदा देवी। आपके पंचायत में क्या क्या हुआ है? नल गली बना है? नल जल का पानी पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं। राशन मिल रहा है आपको? मिल रहा है। और शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय के लिए अभी भी आप शौच के लिए बाहर जाते हैं? घर में शौचालय बनवाया गया है आपकी तरफ, मुखिया की तरफ से? नहीं बनवाया इस? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, निपो देवी, दीपो देवी। आपको नल जल का पानी पी रहे हैं आप? तो पनिया पी रहा ना कादवा मुरो, तो गली भी नहीं बना है। शौचालय के लिए सोच अभी भी बाहर जाते हैं आप लोग? बाथरूम है घर में, बाथरूम बनाया है। गला मिल रहा है तो ऐसे मुखिया की शिकायत नहीं करते हैं कि मुखिया जी हमको गला नहीं मिल रहा है? क्या नाम हुआ चाचे? शैम्पू देवी। कौन सा पंचायत आपका है? पाती पंचायत। तो गलिया तो और बन लो है, गली क्या स्थिति? और नल जल का पानी पी रहा? नल के पानी गिरो है थोड़े थोड़े अभी। अच्छा, और शौचालय बनवाई ला? कुछ नहीं हो हमरा, नहीं राशन कार्ड हो नहीं। तो गला भी नहीं मिल रहा आपको? वृद्धा पेंशन? कुछ नहीं। नीलम कुमारी के विकास के एजेंडे पर पाती पंचायत की जनता क्या फैसला करती है, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन उनके नामांकन में उमड़ी भीड़ काफी कुछ बयां कर रही है। एआरआई न्यूज के लिए नवादा की पाती पंचायत से आनंद पासवान की रिपोर्ट।